बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो हूँ यूट्यूब का भी मैंने नया चैनल बनाया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलेंगी, इसमें ज्वेलरी ट्रेंड्स भी मिलेंगे, उसमें क्लोथिंग भी मिलेगी। मेरे चैनल पे आपको क्रिएटिव जो मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ, अपने जो होम डेकोर बनाती हूँ वो भी मिलेंगे। बहुत कुछ आपको नज़र आएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैंने अभी स्टार्ट किया है अपना YouTube चैनल, तो आज जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ होम डेकोर के लिए, पहले मैं पेंट्स का बता देती हूँ। पेंट्स देख लीजिए, मैं कैलिक पेंट यूज किए, मैं सारे कुछ चीज़ें और फिर मैं पॉट्स में लगा के फिर आपको वीडियो वो भी डालूंगी कि मैंने कैसे अरेंज किया अपना बालकोनी, जो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। आपको जो है ना प्लास्टिक कोई भी शीट बिछा के जब भी आप काम शुरू करें, क्योंकि ताकि आपके कलर्स ना इधर उधर जाएँ और आराम से आपका काम हो सके। ये इस तरह से आप जो स्टिक्स हैं इसको पेंट करके, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वो मैं भी दिखा देती हूँ। मैंने सब पेंट करके लगा दिए हैं, अब मैं आ चुके हैं, ये अभी सूख जाए। कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अच्छी लगेगी स्ट्रिक्स, नेचुरल लुक आएगा। तो आप ब्राउन पेंट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सरवत हेयर। उस दिन मैंने वीडियो आपको अब मैं सेंड करने वाली हूँ आपको वीडियो, मैंने इसका बताना है। ये मैंने देखें फ्रूट्स इस तरह से अपने पॉट्स में लगाए हैं बालकोनी में, तो ये मैं कलर किए थे उस दिन मैंने, मैं दिखा दूँगी आपको। इसके अलावा ये बटरफ्लाइज़ किस तरह बनेंगी, ये भी इस तरह से जैसे मैंने इनको वो फ्रूट्स को कलर करके लगाया था, इस तरह के स्टिक्स को कलर करके बटरफ्लाई को मैं ग्लू गन से लगा रही हूँ। बटरफ्लाई आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे शॉप्स पे, सस्ती सस्ती चीप रेट्स पे, वो लगा के आप इस तरह देखें आपका इतना प्यारा लुक आ जाएगा। ठीक है, ये थ्री लगा दिए मैंने। ये अच्छा, ये वाली मैंने उस दिन बनाया था, उस दिन आपको वीडियो नज़र आएगा जो मैंने बनाया था, उसमें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये मैंने बना के दिखाया था। आप लोग ज़रूर देखिएगा, बालकोनी के आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़ आपको मिलेंगे बहुत सारे मेरे पास। ये देखें, ये भी बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, ये वाला जो है भी मैं शेयर करूँगी वीडियो, आप देखिएगा किस तरह से मैंने स्टिक में लगा के अपने जो पुराने जो होते हैं फ्रूट्स वगैरह उनको सेट किया है इस तरह अपनी बालकोनी में। ठीक है।